हेलो जी, हेलो। तो आज का DIY प्रोजेक्ट है इस बोरिंग सी प्लास्टिक हैंड वॉश बॉटल का अवतार चेंज करना। सबसे पहले निकाल लूँगी मैं ये स्टिकर, बिकॉज ऑब्वियसली ये स्टिकर के ऊपर तो डिज़ाइनिंग करेंगे नहीं। आपकी बॉटल को अगर ऐसा स्टिकर नहीं है देन मुबारक हो, अगर है तो थोड़ी सी मेहनत करो और इसे हटाओ। तो ज़रा सी मेहनत करने के बाद फाइनली ये स्टिकर इज़ ऑफ। नेक्स्ट स्टेप है एक सैंड पेपर से लेके इसको स्क्रब कर लेना। इससे होगा ये कि जो स्टिकर का स्टिकी सा रेसिड्यू है वो भी निकल जाएगा, एंड जो हमारी बॉटल होती है प्लास्टिक की बॉटल वो थोड़ी सी चिकनी सरफेस होती है। अगर आप सैंड पेपर से इसको घिस दोगे तो वो थोड़ा सा रफ हो जाएगा और उस पर पेंटिंग आसान हो जाएगी। लाइक अगर आप ब्रश से एक्रेलिक पेंट कर रहे हो तो इस पर पेंटिंग आसान हो जाएगी, वरना आप एक स्पॉन्ज यूज करके डैब डैब करके भी कलर कर सकते हो। स्पॉन्ज से अगर एक्रेलिक कलर करो तो बेटर टिक जाता है। मैंने ऐसे पहले कर रखा है तो मुझे पता है। अब ले लीजिए जैसो या फिर व्हाइट एक्रेलिक पेंट, जो भी यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो। मैं सोच तो रही थी कि मैं जैसो यूज़ करूँगी इसका सरफेस पेंट करने के लिए, लेकिन मेरा जैसो ना ख़त्म होने वाला है, बहुत थोड़ा सा बचा और मुझे ये दूसरे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। इसीलिए मैंने चुपचाप उठा लिया अपना व्हाइट एक्रेलिक पेंट, क्योंकि ये बहुत सारा है मेरे पास। अपना टेबल ख़राब नहीं करना चाहती इसीलिए ये पैलेट रख लिया। अब मैं लगा लूँगी इसके ऊपर एक्रेलिक कलर की एक कोट। बेसिकली मैं ये कर भी इसीलिए रही हूँ क्योंकि जो मुझे बेस कलर एक्चुअल में देना है ना वो बहुत ही लाइट सा है और वो एक कोट में दिखेगा नहीं, और उस कलर को मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती। तो पहले व्हाइट का बेस दे दूंगी और फिर वो वाला कलर लगा दूंगी। ये सूख चुका है और इवन तो नहीं है, इतना थोड़ा सा पैची है, लेकिन शायद काम चल जाएगा क्योंकि अब जो मैं कलर उस पर डालने वाली हूँ उससे वो पैचिनेस कवर हो जाएगी। तो मैंने कहा था ना कि मैं एक लाइट बेस यूज़ करने वाली हूँ, इसीलिए मुझे वाइट कलर बेस करना पड़ा। अगर आप कोई बहुत डार्क कलर यूज़ करने वाले हैं, कोई ब्राइट सा कलर यूज़ करने वाले हैं, तो शायद आपको ये वाइट पोर्शन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सिंपल स्ट्रोक्स। एंड ये वाला जो मेरा कलर है ना, ये थोड़ा सा पतला हो गया है। आई डोंट नो, मैंने शायद एक बार इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि वो सूख रहा था, एंड पानी थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसकी कंसिस्टेंसी ना काफ़ी थिन सी हो गई है। सो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे शायद इसके दो कोट्स लगाने पड़ेंगे। तो फर्स्ट कोट ड्राई अप होने के बाद ही पता चलेगा इफ़ वी नीड अनदर कोट और नॉट। मोस्टली आई विल आई गेस, बिकॉज द कलर इज़ टू लाइट। ये बहुत अच्छे से सूख चुका है और शेड भी बिल्कुल वैसा ही जैसा मुझे चाहिए था। तो अब मैंने ले लिया एक फ्लैट ब्रश और मेरी एमेच्योर पेंटिंग स्किल्स के साथ मैं इसके ऊपर कुछ फ्लावर्स बनाने की कोशिश करूंगी। छोटे छोटे गुलाबी रंग के फूल, और पूरी बॉटल इन गुलाबी फूलों से भर दूंगी। वैसे जब भी मैं कोई इस तरह का DIY करती हूँ मुझे फूलों के अलावा और कोई ऑप्शन सूझता ही नहीं है। बहुत कोशिश करती हूँ कि इस बार फूल नहीं कुछ और ट्राई कर लूंगी, लेकिन ना, जैसे ही पेंटिंग का टाइम आता है सबसे पहले फूल पत्ती बन जाती है मुझसे। अब जब फूल बना ही लिए हैं तो थोड़ी सी पत्तियाँ भी ऐड कर देते हैं, लाइक अ लिटिल स्टेम। स्टेम भी नहीं, जो जिस पार्ट से फूल जुड़ा हुआ होता है ना, बस वो वाला पार्ट। तो मैं ना जब भी इस तरह के प्रोजेक्ट्स करती हूँ और वीडियो एडिट करते वक्त ना इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ, बस एक ही ख्याल आता है काश लाइफ को भी इस तरह से फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं ना। तो जो भी बोरिंग चीज़ें हैं लाइफ में उसको स्किप कर दो या लिटरली फास्ट फॉरवर्ड कर दो, एंड देन यू आर सॉर्टेड। तो काफ़ी सारी रैंडम फूल पत्तियाँ ऐड करने के बाद हमारा डिज़ाइनिंग प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। तो डिटेलिंग ना मुझे एक साथ कभी याद नहीं आती, थोड़ी थोड़ी करके याद आती है। तो ये थोड़ा सा स्टेम सा बना दिया है और इसी तरह से ये सारे फ्लावर्स को मैं वो बना दूंगी ताकि ये थोड़ा सा और कंप्लीटेड सा लगे। आखिरी वाला भी डन। डिटेलिंग के नाम पे ऐसे रैंडम से डॉट्स प्लेस कर देंगे, वहां मत पूछो क्यों, बस मन किया तो कर दिया। सच में हमारी डिजाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब एक लास्ट स्टेप करेंगे इस पर। एनी गेसेस? अगर आपने वार्निश गेस किया था तो ये बिल्कुल सही है। तो यस, हम इस पर एक आखिरी वार्निश का कोट लगा लेंगे ताकि ये सारा कुछ सील हो जाए और बिगड़े ना। ठीक है, एक थिन सी लेयर लगा लीजिए, इवनली कोट कर लीजिए। कहीं कम पड़ गया हो तो फिर से ले लो थोड़ा सा और फिर कोट कर दो टॉप पर भी, बिकॉज वहाँ भी हमने पेंट किया था, और थोड़ा सा बॉटम पर भी, और फिर इसे ड्राई होने दो। वार्निश की लेयर अब अच्छी तरह से सूख चुकी है और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो अब ये पूरी तरह से रेडी है टू बी यूज्ड। अपनी पसंद का कोई भी हैंड वॉश लिक्विड इसमें भर दीजिए एंड जस्ट स्टार्ट यूजिंग इट। और ये प्रोजेक्ट ट्राई ज़रूर करिएगा, बहुत आसान है। और अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर शेयर कर देना, टॉप लेफ्ट में दे रखा है इंस्टाग्राम हैंडल। और ना, मैं बहुत जल्द आऊँगी एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।